दोस्तों आपके लिए और एक लेके आया है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच यूट्यूब चैनल से नया कॉन्सेप्ट नया वीडियो बेस्ट में फायदा। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीन बाय शालो कॉपी एंड डीप कॉपी। ओके, कॉपी दो टाइप के होते हैं। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे या देखेंगे जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे देखिए। इससे फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, इसका इसका ऑब्जेक्ट है, पाइथन का एक ऑब्जेक्ट है और इसका कोई तो भी एक नाम है समझो। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है एक्स, इसका नाम है एक्स, एक्स नाम का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया एक्स। तो एक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका। उसको मैंने और एक नाम रख दिया, उसको मैंने एक्स के साथ साथ और एक नाम रख दिया, उसका नाम है वाई। तो इसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले एक्स बोल रहा हूँ और वाई बोल रहा हूँ। अगर मैं एक्स को कॉल करूंगा तो भी यही डेटा मिल जाएगा मुझे, अगर मैं वाई को कॉल करूंगा तो यही डेटा मिल जाएगा मुझे। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू? तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ नाम है, अभी सिनेरियो टू है ये, जिसका कुछ नाम है एक्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, एक्स है, एक्स है, और मुझे क्या चाहिए, इसी ऑब्जेक्ट का एक क्लोन चाहिए, क्लोन। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि मैंने ये क्लोन बनाया है, सेम ऑब्जेक्ट का एक दूसरा क्लोन बनाया है, मतलब क्या बनाया, कॉपी बनाया है। सेम ऑब्जेक्ट है एक्स, उसका एक कॉपी बनाया है, इसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है एक्स, इसका नाम रख दिया मैंने एक्स, और जो क्लोन है उसका नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल वाई, या तो मुझे रखना है वाई, ये दो केसेस है। ठीक है, और या फिर ये दो सिनेरियो, एक एक ऑब्जेक्ट है उसका मैंने नाम रख दिया एक्स, इसी का नाम रख दिया मैं, तो सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट हैविंग टू रेफरेंस वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट द रेफरेंस वेरिएबल इज एक्स, ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस वेरिएबल एक्स, एंड आई मेड द क्लोन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट एंड नेम इज गिवन और रेफरेंस वेरिएबल ऑफ दैट इज वाई। सो इन फ्यूचर अगर एक्स में मैं चेंजेस करूँ कुछ, या तो ये ऑब्जेक्ट में मैं चेंजेस करूँ कुछ, तो क्या वो चेंजेस वाई में भी हो जाएंगे? तो इसका आंसर रहेगा यस। इन फ्यूचर ये दोनों बन गए भैया, अगर मैं कुछ एक्स में चेंजेस करूंगा या तो फिर इस ऑब्जेक्ट में चेंजेस करूंगा जिसका रेफरेंस वेरिएबल एक्स है, तो क्या वो चेंजेस वाई में हो जाएंगे? तो उसका आंसर है नो। समझ में आ रहा है? तो इसमें से एक है शैलो कॉपी और दूसरा है डीप कॉपी, कौन सा हो सकता है शैलो कॉपी इसमें से? ओके, कौन से पूछा इसे? डीप कॉपी इज अ डीपर कंप्लीट कॉपी। देखिए एक्स में वाई कंप्लीट कॉपी बन गया, ठीक है, तो ये बन गया एग्जाम्पल ऑफ डीप कॉपी, एग्जाम्पल ऑफ डीप कॉपी। और ये जो है वो शालो कॉपी बन गया, शालो शालो ऊपर ऊपर से ही कॉपी हो गया ना, ये मतलब इसका ये एक्स का ये वाई कॉपी बन गया, एक्स का क्या बन गया, वाई कॉपी बन गया, कॉपी बन गया, तो सेपरेट ऑब्जेक्ट भी बन गया। सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गया मतलब अभी फ्यूचर में इसमें कुछ भी चेंजेस हो जाएगा तो ये चेंजेस इसमें रिप्रेजेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए क्या बन गया, ये बन गया है शैलो कॉपी। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं लिस्ट। ओके, तो इसका अल्गोरिदम पहले लिख देता हूँ। अगर मुझे एक्स की कॉपी वाई में बनाना है तो मुझे वाई इज इक्वल टू वाई में कॉपी बनाना है एक्स का, एक्स
ऐसे अगर लिख दिया तो ये हो गया डीप कॉपी डॉट कॉपी सन मेथड लगाया तो ये बन गया शैलो कॉपी। अभी ये बनने के बाद वाई बनने के बाद एक्स में अगर कोई चेंज भी होता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू वाई में कुछ चेंजेस भी हो गए तो वो क्या होगा, एक्स में कुछ चेंजेस भी हो गए तो वाई में रिफ्लेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। ये हम लोग एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करते हैं। एक्स इज इक्वल टू मैं क्या रख देता हूँ 2, 4, 6, 5, 6 ऐसा कुछ तो भी है। और अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, वाई वाई एक्स होगा, यस वाई इक्वल। अभी तक हमें ये नहीं समझ में आया कि अभी तक हम एक बात समझ नहीं आया है कि वाई ही एक्स और एक्स एंड वाई आर द सेम ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं देखो, आईडी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सर्विस आईडी तो अलग ऑब्जेक्ट है तो अलग आईडी रहेगा, आईडी ऑफ एक्स आईडी ऑफ सेम है, सेम है दोनों का आईडी। इसका मतलब ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट है एक्स में मैं क्या कर सकता हूँ, करता हूँ चेंजेस करता हूँ तो मुझे देखना है वो चेंजेस वाई में रिफ्लेक्ट होते हैं क्या। खाली एक्स में चेंज करूंगा मैं, अनदर प्रूफ की सेम ही ऑब्जेक्ट है। एक्स डॉट अपेंड, अपेंड इसमें क्या डालेंगे, टेन डाल देंगे, टेन तो नहीं है ना पहले। तो देखिए एक्स क्या हो जाएगा, एक्स को मैं रन करने के बाद देखो टेन आ गया इसमें। अभी वही टेन वाई में आते हैं क्या, मुझे देखिए वाई में तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया फिर भी वही चेंज वाई में आ गया। मतलब इसका मतलब ये जो एग्जांपल है जिसमें एक्स वाई बन गया पूरा, एक्स जो है वो वाई बन गया। पर बहुत बार मुझे क्या लगता है कि मुझे चेंजेस चेंजेस करने पड़ते हैं, जब भी मैं कोई कोड लिखता हूँ तो वो स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो एक वर्जन मुझे स्टोर करना है, अगर मैं ऐसा असाइनमेंट ऑपरेशन कर दूँ या तो इसमें अगर मैं डीप कॉपी कर दूँ तो क्या हो जाएगा, सेम ही ऑब्जेक्ट बनेगा और जो भी मैं बाद में चेंजेस करूंगा वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। इसके लिए मुझे क्या लगेगा, शालो कॉपी का एग्जाम्पल लगेगा, शालो कॉपी लगेगा मुझे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए अभी मेरे पास कुछ है एक्स, मैं फिर से ये ले लेता हूँ ना, फिर से मैं ये ले लेता हूँ कॉपी और एक्स को मैं फिर से डिफाइन, सॉरी एक्स को मैं फिर से डिफाइन करना देखो। और क्या हो गया, अभी वैल्यू ऑफ एक्स क्या रहेगा, 2, 4, 5, 6 ऐसा कुछ है। और अभी मैं वाई को क्या डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स डॉट कॉपी ऑफ एक्स डॉट कॉपी, वाई क्या बनेगा, एक्स का कॉपी बनेगा, ठीक है। तो अभी अभी देखो ये नहीं डिफाइन, ये यहाँ पे डिफाइन हो गया, सॉरी यहाँ पे डिफाइन हो गया और वाई यहाँ पे डिफाइन हो गया। वाई का वैल्यू सेम रहेगा क्या, यस सेम रहेगा क्योंकि कॉपी कर दिए होंगे। चलो अभी हम लोग आईडी चेक करते हैं दोनों की, आईडी ऑफ एक्स समथिंग है, आईडी ऑफ वाई सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। अभी ये शैलो कॉपी है तो ये डिफरेंट ही रहना चाहिए, देखिए दोनों का मतलब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट वैल्यूज उसके सेम है। देखिए एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों के वैल्यू सेम है, ये आईडी अलग होने का मतलब है कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। चलेगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट है हमें पता चल गया, पर फिर से हम लोग देखेंगे जो कि मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी कि अगर मैं एक्स में चेंज करता हूँ तो वाई में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्या, तो डीप कॉपी में वो हो जाते हैं, तो शैलो कॉपी में हो जाएंगे क्या, नहीं हो जाएंगे। पर हम लोग चेक करेंगे एक्स का वैल्यू तो मुझे पता है, इसमें मैं अपेंड करता हूँ, पहले कितना किया था अपेंड, 10 ही किया था, अभी भी 10 ही करेंगे। तो वही वैल्यू ऑफ एक्स देखिए 10 हो गया ऐड। और अभी भी मैं अगर वाई को डाल के और प्रिंट करता हूँ तो वाई में आ गया क्या वो चेंज, नहीं आया।
अगर मैं वाई में कुछ अब चेंजेस करता हूँ तो एक्स में चले जाएंगे क्या? ऑब्वियसली जाना नहीं चाहिए। तो देखिए अभी वाई में क्या हो गया, 12 अपेंड हो गया, तो एक्स में वो चले जाएंगे क्या? जी नहीं, बाद में जो भी चेंजेस हो गए एक्स या वाई में वो इंडिविजुअली अपने लेवल पे हो जाएंगे, कॉपी करने के टाइम पे मतलब सेम वैल्यू रहेगा। ओके, हम लोग कुछ और भी एनालिसिस कर सकते हैं, अगर किसी ने आपको डिफरेंसेस पूछा तो ये सब आप बता सकते हो। और एक डिफरेंस क्या है, कौन सा फास्ट रहेगा, शैलो कॉपी या डीप कॉपी? ऑब्वियसली शैलो कॉपी विल टेक मोर टाइम, शैलो कॉपी विल टेक मोर कंप्यूटेशन, राइट? तो ऑब्वियसली फास्ट क्या रहेगा, डीप कॉपी रहेगा। शैलो लेजी, डीप कॉपी लेजी रहेगा, डीप कॉपी थोड़ा फास्ट भी रहेगा। और मेमोरी यूटिलाइजेशन किसका ज्यादा रहेगा, मेमोरी यूटिलाइजेशन भी, कई क्या ऑब्जेक्ट बनता है ना, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे तो मेमोरी ज्यादा लगेगा, तो डीप कॉपी में मेमोरी कम लगेगा और शैलो कॉपी में मेमोरी ज्यादा लगेगा। इसी के साथ हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी होता क्या है और उसको हम लोग किस तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ और चैनल के साथ ऐसे ही जानकारी पाने के लिए। तब तक के लिए अलविदा।